सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। पिछले दिनों आपको याद ही होगा कि विधानसभा के अंदर किस तरह से विपक्ष के नेताओं और विधायकों पर लाठियां चटकाई गई थी पुलिस के द्वारा, जिसके बाद खूब हो हंगामा हुआ था। इस पर सियासत भी खूब हुई थी और कल तेजस्वी यादव ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिख करके इस बारे में बताया भी था कि अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, हमारे विधायक सदन में आने से डर रहे हैं, विधानसभा आने से डर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को, जिसके बाद आज बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन का इस पर बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव अपने गुंडे विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात कही है तेजस्वी यादव को मंत्री नितिन नवीन ने, बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, सुनिए। गुंडागर्दी करते हैं उनको डर हो रहा है, और जो कानून का पालन कराए थे उनको डर नहीं है। एक बार बड़ा स्पष्ट मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गंदा खेल खेला गया, जिस प्रकार से तांडव किया गया, वो पूरी मर्यादाओं को खंडित किया था। मैं उनसे कहूँगा कि अपने सभी विधायकों की तरफ से वो बिहार की विधानसभा अध्यक्ष से माफ़ी मांगे, उनसे क्षमा याचना करें, और निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी बड़े हृदय के लोग हैं, वो हमेशा अपने मौका देंगे उन विधायकों को भी जो लोगों ने ये गलती की। आइए, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, एक स्वस्थ परंपरा में डिबेट कीजिए, अपने बातों को रखिए, अपने बातों की चर्चा में भाग लीजिए। जब विषय पर समस्या पर बात करने की मौका आता है तो नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाते हैं। बाढ़ पर हम लोग बैठक कर रहे थे सभी विधायकों के साथ, उस समय नेता प्रतिपक्ष गायब थे, उनके भाई भी गायब थे। तो समझिए कि उन विषयों पर बात नहीं करना चाहते हैं, उनका मकसद हंगामा करना है। अगर उनका मकसद हंगामा करना है तो कानून अपने तरीके से निपटेगा ही। सर, बॉयकॉट की भी बात उन्होंने कही थी, लेकिन कल जब उनसे सवाल किया गया तो उस सवाल से उन्होंने तो कहा था कि हम विधानसभा के में जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये नहीं होगा, तो फिर आने की याचना दे रहे हैं, तो हम तो उनकी याचना को भी सुनने को तैयार हैं, लेकिन पहले वो माफी मांगे। जी हाँ, तो नितिन नवीन ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि विजय सिन्हा बड़े दिल वाले हैं, वे विपक्ष के नेता को जरूर माफ करेंगे। जी हाँ, बड़ी बात कह दी है नितिन नवीन ने आज। आगे नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर केवल हंगामा करने का काम करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मुद्दे से हट के बात करते हैं, तो इस तरह से आज बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं नितिन नवीन। अब देखने वाली बात होगी, नितिन नवीन के इतने बड़े हमले के बाद, इतने बड़े बयान के बाद विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है सामने। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।